हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारसनाथ करियर स्टैंड। मैं सोनाक्षी और आज फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के जितने भी बुक्स एंड ऑदर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग ज्वाइन होते जाएंगे हमारे सेशन में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो अक्टूबर मंथ के जितने भी बुक्स एंड ऑदर्स से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपका एग्ज़ाम है दिसंबर में आपका एनटीपीसी का, नवंबर में एग्ज़ाम है आपका दिल्ली पुलिस का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक अ बकेट ऑफ फ्लावर की लेखिका कौन है? तो देखिए, जो पुस्तक लॉन्च की गई है अ बकेट ऑफ फ्लावर, उसकी लेखिका है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। हु इज़ द ऑदर ऑफ द लॉन्च बुक अ बकेट ऑफ फ्लावर? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मैं सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पढ़ूंगी और इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप लोग, जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लोग प्लीज़ देख लेंगे। और फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ का मैं और भी अलग अलग कैटेगरी की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लाइक स्पोर्ट्स पर, डेज एंड थीम्स पर, अवार्ड्स पर, तो उन सभी को आप लोग जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा लॉन्च पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर है पद्मपाणी बोरा। ठीक है, जो अभी पुस्तक लॉन्च की गई है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, और उसके लेखक है पद्मपाणी बोरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक है वो है आनंद नीलकांतन। तो याद रखेंगे यहाँ पर वर्ड्स आया है किड्स, और बच्चे जो होते हैं उन्हें क्या होता है, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर आनंद नीलकांतन, ये आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसने बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? तो किसने इस बुक को रिलीज किया है, बापू द अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का रिलीज किसने किया है? आंसर है मनीष सिसोदिया ने। ठीक है, किसने किया है, तो मनीष सिसोदिया ने। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, लॉन्च पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पेरेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लॉन्च की गई है द खालिस्तान कॉन्स्पेरेसी, इस पुस्तक के लेखक है GBS संधू। ठीक है, कौन है, तो GBS संधू। नेक्स्ट देखेंगे, किसने बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किया है? आंसर है PM मोदी ने। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, लॉन्च पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो देखिए, जो पुस्तक लॉन्च की गई है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसके लेखक है शशि थरूर। ठीक है, कौन है, तो शशि थरूर है। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट है हमारा, लॉन्च पुस्तक सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम क्या है, सी इज फॉर कैट एंड डी इज फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है? आंसर है हमारा कैरवी भरत राम। तो इसे आप लोग कुछ ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर वर्ड आ रहा है डिप्रेशन और यहाँ पर वर्ड आ रहा है राम, तो याद रखेंगे कि राम जी की भक्ति करने से डिप्रेशन हमारा कम होता है, तो ये आप ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट देखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट है हमारा, लॉन्च पुस्तक पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसके जीवन की आत्मकथा है? तो ये जो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर है ये NK सिंह के जीवन की आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सभी लोग, लॉन्च पुस्तक द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे के लेखक कौन है? तो द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे के लेखक हैं सुमन दुबे। कौन है, सुमन दुबे। नेक्स्ट देखेंगे सभी लोग, लॉन्च पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? आंसर है सरबप्रीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्च पुस्तक मर्जिंग विथ अ बिलियन और सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी के लेखक कौन है? आंसर है उदय माहुरकर।
तो अभी इसे आप ऐसे याद रखेंगे कि देखिए मोदी जो है इनका अभी बहुत ज़्यादा उदय हो रहा है, ठीक है। इनका इनके राज में, मतलब कि मोदी जी के राज में हमारे देश का बहुत ज़्यादा उदय हो रहा है, तो इसलिए याद रखेंगे यहाँ पर नरेंद्र मोदी नाम आ रहा है तो आंसर हो जाएगा हमारा उदय माहूरकर। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोपहर में 1 बजे हमारे साथ GK GS की क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।